विगत दिनों उज्जैन की सड़कों पर कुछ विकृत मानसिकता के देश विरोधी अराजक तत्वों ने भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध पाकिस्तान के समर्थन में देश विरोधी नारे लगाए थे एवं राष्ट्र विरोधी हरकत को अंजाम दिया था। ऐसा करने के पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य देश प्रदेश के सौहार्दपूर्ण वातावरण में जहर घोलकर शांत फिजा को बिगाड़ने का प्रयास करना था। इस प्रकार का देश विरोधी कृत्य करने वाले घटिया एवं विकृत मानसिकता के लोगों के खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे एवं ऐसे अराजक तत्वों की हमेशा के लिए नागरिकता समाप्त की जाए, जिससे कि आगे भी कोई समूह या व्यक्ति ऐसा दुस्साहस करने की हिमाकत न कर सके। शुक्रवार को रतनगढ़ नगर के राष्ट्रभक्तों द्वारा देश विरोधी अराजक तत्वों का पुरजोर विरोध करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम टप्पा तहसील कार्यालय पर पदस्थ बाबू विजय सिंह चौहान को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें अपराधियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई करने की मांग के साथ ही उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त करने की मांग की है। ऐसे देश विरोधी तत्वों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए स्थानीय सब्जी मंडी से बस स्टैंड, नीमच सिंगोली रोड, अटल चौराहे पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए एवं सड़कों पर बनाए गए पाकिस्तानी झंडे को पैरों तले चप्पल जूतों से कुचला गया। उसके बाद हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जयकारे लगाते हुए टप्पा तहसील कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान पाकिस्तानी मानसिकता वाले तत्वों को आगाह करते हुए चेतावनी देकर कहा कि हिंदुस्तान में रहकर दुश्मन देश की भाषा बोलने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित युवा शक्ति ने राष्ट्र प्रेम का अमिट संदेश दिया है। इस अवसर पर सर्व हिंदू समाज के वरिष्ठ जन, युवा जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।